कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज मैं आपको आपका बायोलॉजी का जो एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा का पेपर है उसको समझाऊंगा। इस तरह के आपको मैं वार्षिक परीक्षा के 3 पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, है ना, ये बी, ये सी, और इसके बाद में एक अंत में कराऊंगा डी। ठीक है, ब्रह्मास्त्र की तरह ये साबित होने वाले हैं। और जिस बच्चे को वास्तव में नंबर चाहिए ना, बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है ना। और जिस बच्चे को लगता है कि एक ही पेपर में, एक ही वीडियो में सब कुछ बता देंगे, तो संभव नहीं है। 4 पेपर दूंगा, चारों पेपर को कंप्लीट करेगा, जब जाके आप टॉपर बन पाओगे। वहां कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है कौन कौन सा है? कोशिका अंग वाले तो केंद्रक भी है, माइटोकांड्रिया भी है, हरित लवक भी है, ये सभी। स्टार फिश किस जंतु है? तो ये आपका इकाई नोड मेटा आ जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे अधिक प्रभावशील है? तो ये हो जाएगा लाल। तंत्रिका तंत्र की इकाई है, तंत्रिका तंत्र की इकाई है तंत्रिका कोशिका। किसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं? तो मटर में, कि खीरा में, कि प्याज में, कि चाइना रोज में? ठीक है, तो यहां पर देखिए खीरा एकदम राइट रहेगा। एक बीजपत्री के प्रारूपी संवहन के फूल होते हैं? तो बही फ्लोएमी। नग्न बीज वाले पौधों के समूह का नाम बताइए? तो जिम्नोस्पर्म। यहां पर लिख देते हैं अपन, जिम्नोस्पर्म। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति डिडे से होती है, बहिचर्म से। ठीक है, क्रेब्स चक्र कोशिकांग में होता है, माइटोकांड्रिया में। पक्षी वर्ग की हड्डी खोखली होती है, कीटों में श्वसन ट्रेकिया, ठीक है, के द्वारा होता है। स्टार फिश आरी सममिति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वो आरी नहीं है, अरी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। ठीक है, यहां से देखेंगे अब सही जोड़ी। सही जोड़ी है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का जाएगा आपका कंटकीय प्लेट, दूसरा जाएगा माइटोकांड्रिया, तीसरा आपका जाएगा यहाँ पर पॉलीसेकेराइड। कीट, कीट का जाएगा ट्रेकिया। ऑक्सीटोसिन एंड्रीनेलिन हो गया। अब अगला है आपका एक वाक्य में उत्तर। गुणसूत्र किन पदार्थों के बने होते हैं? डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन के। अंतःस्रावी ग्रंथियों को के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंडोकाइनोलोडी। द्विखंडन क्रिया किसकी है? आसूत्री विभाजन की। अभिमा में का प्रजनन अंग कौन सा है? कूटपाद। नाखून किसका बना होता है? काइटिन। मनुष्य में वैज्ञानिक नाम मैगी भेरा इंडिका है। ठीक है, मानव का जो वैज्ञानिक नाम है ये गलत है, हिपोसेंसियस है ना। तो यहां से देखिए दूसरा जो है सत्य रहेगा, तीसरा आपका असत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा और अंतिम वाला असत्य रहेगा। यहां से आप देख सकते हैं बाकी सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका।
जीवों में वर्गीकृत को वर्गीकृत क्यों करते हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है? भ्रूण को उसको नेमांकित चित्र बनाइएगा। पुष्पदल विन्यास की परिभाषा है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसके बाद में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ से देख सकते हैं 17, 18, 19 और 20। टोटल 20 क्वेश्चन और 20 ही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिए हैं। तो ये आपको मैंने आपका 11th क्लास का बायोलॉजी का पेपर बताया, सेट ए। सेट बी भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, सेट सी भी कराऊंगा, सेट डी भी कराऊंगा। नहीं देखा है तो आप देखना है, प्ले लिस्ट को आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। कक्षा 11 के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई वार्षिक पेपर, ठीक है।